आज हम बात करेंगे आईटीआई के बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड के एनएफओ के बारे में, जो कि 5 अक्टूबर 2020 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने वाला है। तो जो जो इन्वेस्टर्स इस एनएफओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 5 अक्टूबर से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड क्या होते हैं। तो बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड जनरली डेट फंड का ही एक टाइप है, जो कि फिक्स्ड इनकम फंड में आता है। और PSU एंड बैंकिंग एंड PSU फंड, ये फंड जनरली बैंकिंग के और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अनदर सिक्योरिटीज़, यानी कि डेट सिक्योरिटीज़, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, लोन्स में, गवर्नमेंट स्टेट्स में, तो वहाँ पर उनके जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ये फंड। और उनकी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं बैंक्स के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, जैसे कोल इंडिया, ऐसी कंपनीज जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के आती हैं, उनके बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहीं से रिटर्न्स जनरेट करते हैं। तो जनरली इनमें मॉडरेटली लो रिस्क होता है और इनकी जो मैच्योरिटी होती है मीडियम टर्म के लिए होती है। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और अच्छी रिटर्न्स चाहते हैं, फिक्स्ड इनकम चाहते हैं, तो उस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं जो वो इस फंड के एनएफओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे इस फंड के बारे में कि फंड में क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो उसके लिए मुझे लेके चलने पड़ेगा आपको स्क्रीन की ओर। और अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक्स में, इंट्राडे टिप्स, कुछ भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज आप कोई भी चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ले आया हूँ आपको स्क्रीन पर और हम बात कर रहे हैं आईटीआई बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड के एनएफओ के बारे में। तो आपको बता दूँ कि एक टाइप है जो फंड का, वो फिक्स्ड इनकम डेट फंड है। एनएफओ की जो ओपनिंग डेट है 5 अक्टूबर 2020 से एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा और एनएफओ की जो क्लोजिंग डेट है 19 अक्टूबर 2020 को एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए क्लोज हो जाएगा। तो जो इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ के पीरियड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टर्स 19 अक्टूबर तक फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी बात की ओर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी जो फंड में, आप 5,000 रुपये कर सकते हैं। फंड मैनेजर्स जो हैं फंड को मैनेज करेंगे, जॉर्ज हैबर जोसेफ जी और मिलन मोडी जी इस फंड को मैनेज करेंगे। स्कीम टाइप है, ओपन एंडेड स्कीम है, कभी भी आप अपना मनी रिडीम करके निकल सकते हैं। स्कीम टाइप ओपन एंडेड है और NAV है जो 10 रुपये है। आपको पता है ड्यूरिंग NFO पीरियड हर एक फंड की मैक्सिमम 10 रुपये पर ही NAV अप्लीकेबल होती है। तो रिस्क है जो फंड का मॉडरेटली लो है, क्योंकि एक डेट टाइप का फंड है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में ही इन्वेस्टमेंट रहेगी, इसलिए जो फंड का रिस्क है वो लो है। एग्जिट लोड है जो नो चार्जेस ऑन विड्रॉल, तो कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे आपको, आप चाहे कभी भी अपनी मनी को जो है विड्रॉल कीजिए। स्कीम का जो बेंचमार्क है क्रिजिल बैंकिंग एंड PSU डेट इंडेक्स, इस फंड का बेंचमार्क है। तो इस फंड को ट्रैक करके ही फंड जो है रिटर्न जनरेट करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, द स्कीम सीक्स टू जनरेट इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। तो जो स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो इनकम जनरेट और कैपिटल को एप्रिसिएट करना है थ्रू इन्वेस्टमेंट इन डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। इन्वेस्टमेंट करके डेट और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से इनकम और कैपिटल जनरेट करना फंड का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। कंसिस्टिंग प्रीडोमिनेंटली ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय एंटिटीज सच एज शेड्यूल्ड कॉमर्शियल पेपर्स, बैंक्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। तो जो सिक्योरिटीज इशू की गई होंगी एंटिटीज की तरफ से, जो कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और म्यूनसिपल बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करके वहां से रिटर्न्स जनरेट की जाएगी और वहीं से इन्वेस्टमेंट करके जो है रिटर्न्स और कैपिटल अप्रिसिएट करना फंड का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी बात की ओर। बात करेंगे कुछ फंड के जो पॉइंट नोट करने के हैं वो आपको बता दूँ। इन्वेस्ट ए मिनिमम ऑफ 80% इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बैंकिंग PSU एंड PFIs विच आर जनरली हाई क्वालिटी इन नेचर। तो जो इन्वेस्टमेंट होगी फंड की वो 80% से
80% तक मिनिमम है, जो 80% मिनिमम वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रहेगी, और जो होगी इन्वेस्टमेंट होगी वो हाई क्वालिटी के पेपर्स में ही होगी। और आपको बता दें कि हाई क्वालिटी के पेपर जैसे कि AAA रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जो उन्हीं डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट होगी। बैंक्स PSU एंड PFIs डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर जनरली हाईली लिक्विड। तो जो बैंकिंग BSU PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यानी कि बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, वो हाई लिक्विडिटी होते हैं, तो लिक्विडिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी स्कीम में। तो अभी जैसा कि आपको पता है फ्रैंकलिन टेम्पलटन के 6 स्कीम्स बंद हुई थी, तो जैसे वहाँ पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी, तो यहाँ पर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो जैसा कि फंड में बताया गया है कि बैंकिंग के और PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हाईली लिक्विडिटी होती है उनमें। दिस कैटेगरी ऑफ फंड्स हैव प्रोवाइडेड स्टेबल रिटर्न्स ड्यूरिंग वेरियस मार्केट फेजेस एंड हैव बेटर रिस्क रिवॉर्ड। तो जो इस कैटेगरी के फंड हैं ऑलरेडी जो मार्केट में रन कर रहे हैं, उन्होंने अच्छी रिटर्न्स दी हैं, जैसे कि वेरियस मार्केट फेजेस में। तो मार्केट का जैसा जैसा रुख था अभी लॉकडाउन में आप सबको पता है, तो वहाँ पर भी इन टाइप के फंड्स ने अच्छी रिटर्न्स दी हैं और बेटर रिस्क रिवार्ड है, जो रिस्क भी है इनमें काफ़ी कम होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी बात की ओर और बात करेंगे कि किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सुइटेबल है। सबसे पहला, जो इन्वेस्टर्स सेफ्टी चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में, उन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सुइटेबल है। जो टाइप स्टेबिलिटी चाहते हैं, रेगुलर इनकम चाहते हैं, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं चाहते कि उनका पैसा कहीं फंसा रह जाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए फिर से लॉकडाउन की तरह, और हाईली लिक्विडिटी चाहते हैं जो इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट में, और टैक्स इफिशियंट रिटर्न्स जो इन्वेस्टर्स चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से को लेकर, उस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सुइटेबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि जो ऑलरेडी इस टाइप के फंड हैं मार्केट में वो कैसा कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला फंड है HDFC बैंकिंग एंड PSU डेट फंड, NAV है जो फंड की 17.73 पैसे है एज ऑन 30 सितंबर। फंड का जो टोटल AUM है वो है 8172 करोड़ रुपये। रिटर्न्स के बारे में बात करें तो 1 मंथ में 0.4% की रिटर्न इस फंड ने दी है, 1 साल में 10.76% की रिटर्न, 3 साल में 8.7% की रिटर्न और 5 साल में 8.97% की रिटर्न। मैक्सिमम जो रिटर्न्स हैं 9.18% की रिटर्न इस फंड ने दी है। तो अगला जो फंड है IDFC बैंकिंग एंड PSU डेट फंड, NAV है जो फंड की 19.02 पैसे है। फंड का जो टोटल AUM है 17,690 करोड़ रुपये है। रिटर्न्स के बारे में बात करें तो 1 महीने में 0.29% की रिटर्न, 1 साल में 11.36% की रिटर्न, 3 साल में 9.57%, 5 साल में 8.7% और मैक्सिमम रिटर्न्स हैं जो 8.86% की रिटर्न इस फंड ने दी है जब से ये फंड लॉन्च हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इन्वेस्टर्स को इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, NFO के लिए सब्सक्रिप्शन करना चाहिए। देखिए, मैं किसी को भी राय नहीं देता कि वो मेरे कहने पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। तो बात करूँगा यहीं पर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।